गाइस, आप लोगों में से कई सारे लोग स्मोकिंग तो करते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि इस सिगरेट पीने से हमारे शरीर में कितना नुकसान है? आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये मेरे पास एक सिगरेट है, तो आज हम जानेंगे कि इस एक सिगरेट से हमारे शरीर में कुछ नुकसान होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो आज जो है मैंने एक ये सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के जरिए से हम इस एक सिगरेट को स्मोकिंग कराएंगे और फिर देखेंगे क्या इस एक सिगरेट से हमें कोई भी नुकसान होता है या नहीं होता है। वैसे तो लोग एक एक दिन में जो है 10-10 सिगरेट जो है स्मोकिंग कर लेते हैं, पी लेते हैं, पर क्या होगा, क्या एक सिगरेट से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि एक सिगरेट से किसी भी आदमी को कुछ भी नुकसान होता है या नहीं होता है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है, जिससे सभी लोगों को पता चले कि ये सिगरेट पीने से हमें कुछ भी नुकसान है या नहीं है। पर एक सिगरेट से, अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक सिगरेट से आपको कुछ भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। वैसे लोग तो एक दिन में कई सारी सिगरेट पी जाते हैं, तो अभी जो है इसके जरिए से हम इस एक सिगरेट को स्मोकिंग कराएंगे और फिर अंदाज़ा लगाएंगे क्या इस एक सिगरेट से किसी भी आदमी को कुछ भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, वीडियो में बने रहे एंड तक, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। तो अभी जो है हम इसमें इसको सेट करके आपको लगा के दिखाते हैं और फिर स्मोकिंग करा के दिखाते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और ऐसे नॉलेजफुल एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए। तो अभी जल्दी से जो है हम इस सिगरेट को इसमें सेट करके और फिर स्मोकिंग करके आपको दिखाते हैं। गाइस, मैंने इस बोतल में जो है पानी भर दिया है और ये मेरे पास रुई है, इस रुई को हम इसमें डालेंगे, ये फेफड़े की जगह पर काम करेगा। और अभी जो है मैं इसमें इसको डालता हूँ। अभी जो है इस सिगरेट को मैं इसमें लगा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस, ये जो है मेरा सिस्टम तैयार हो गया है। अभी जो है मुझे ये सिगरेट जलानी है यहाँ से, और ये जो है यहाँ से मुझे खोलना है, और तभी जो है ये स्मोकिंग होने लग जाएगी और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये यहाँ पर मैंने जो कॉटन लगाया है इसमें आपको पता चल जाएगा इस एक सिगरेट से हमारे जो फेफड़े हैं उन पर कितना जो है फ़र्क पड़ेगा या कुछ भी फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अभी जो है मैं इसमें आग लगाता हूँ, इस सिगरेट को जलाता हूँ और फिर देखते हैं।
वहीं धुआं सा दिख रहा है इस बोतल में। तो अभी देखते हैं इस कॉटन का जो है क्या हुआ है इसको खोल के। गाइस तो ये आप देख रहे हैं जो ढक्कन है वो हमने निकाल दिया है, और ये जो कॉटन है उसको देख सकते हैं आप, जो है थोड़ा थोड़ा आपको कुछ वैसा दिख रहा होगा गंदा सा। अभी जो है इसको बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं कॉटन जो है कुछ ऐसा हो गया है, एक सिगरेट ने जो है इसको इतना जो है ऐसा कलर सा आ गया है, और इसमें से जो है स्मेल भी आ रही है, जो सिगरेट के धुआं में से जो वैसी स्मेल होती है कुछ ऐसी जो है स्मेल भी है इस कॉटन में। और ये जो है आप देख सकते हैं तो एक सिगरेट से जो है ये कॉटन जो है लगभग 50% जो है हम मान सकते हैं कि जो है बेकार हो गया है, और कुछ इस तरह से जो है ये कॉटन हो गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिगरेट पीने से भी जो हमारे फेफड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है उनको नुकसान होता है। और इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बंदा एक सिगरेट भी अगर पीता है तो उससे भी जो है उसको बहुत नुकसान होगा। और वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ये स्मोकिंग वगैरह आप ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे जो है अच्छे खासे लोगों को कैंसर जैसी और इससे भी ज़्यादा जो है बीमारियां बहुत जो है हो जाती हैं। और जो भी आपके घर में जैसे आपके पिताजी या आपका कोई भाई भी पीता है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनसे आप उन्हें को समझाएं कि ये स्मोकिंग वगैरह ना करें, इससे जो है उनके लिए बहुत खतरा है, वो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, और ये आप देख ही सकते हैं कि एक सिगरेट ने जो है उस पूरे कॉटन को बेकार कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिगरेट भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, तो आपको ऐसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।